राम 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 श्याम 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 राधे श्याम 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 राम 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 मेरे राम 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 सत्य सनातन धर्म की गौ माता की श्री राम लला सरकार की हनुमान जी महाराज की जगत जी। सर्वप्रथम कोट-कोट साधुवाद धन्यवाद श्री राम लला सरकार की जय। समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोट-कोट वंदन प्रणाम। आप सबको कोट-कोट साधुवाद। सनातन धर्म के प्रचार के लिए मेरा जीवन ही है जी, और हम सबको सत्य सनातन धर्म को लेके जीवन जीना चाहिए। सत्य सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो समस्त पंथों का जी, समस्त धर्मों का आदर करता है जी। सागर से भी गहरा है, सागर से भी बड़ा है। जिस प्रकार सागर किसी से भेदभाव नहीं करता, सबको अपनाता है और अपना के अपना ही स्वरूप प्रदान कर देता है, ठीक उसी प्रकार हमारा सनातन धर्म है जी। सनातन धर्म की विशेषता यह है, जड़ चेतन सभी की उपासना पूजा होती है हमारे धर्म में जी। तो धन्य है सनातन धर्म जो के समस्त पंथों का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए लेके चलता है। उपासना होती है वही सत्य सनातन धर्म है। तो इस धर्म की पूजा उपासना करते हुए, इसका सम्मान करते हुए, आदर करते हुए हम सबको बढ़ना चाहिए जी। आप सनातन धर्म के लिए बहुत सेवा देखिए, गौ माता भारत भूमि की परम धरोहर है। गौ माता की पूजा उपासना श्री रामलला सरकार भगवान कृष्ण भी किए हैं जी। गौ माता भारत देश की प्राण है। गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, उनके श्री चरणों का रज लेने वाला व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु से नहीं मर सकता जी। जिस घर में गौ माता की पूजा उपासना होती है, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है। भारत माता के गरिमा के लिए, ओजस्वता तेजस्वता के लिए गौ माता की पूजा उपासना होना अत्यंत आवश्यक है, और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। समय आएगा तो ऐसा संभव होगा कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए जी। देखिए, सूर्य को कभी दीपक जी प्रभावित नहीं कर सकता। सत्य सनातन धर्म सूर्य है, और जो सत्य सनातन धर्म को कलंकित करने के लिए बात करते हैं वो दीपक है। दीपक कभी सूर्य को प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ, कभी कभी हास्य परिहास्य को लेके देखा जाए तो दीपक भी अपने प्रकाश को प्रकाशित करता है, प्रमाण देने की कोशिश करता है, लेकिन सूर्य सूर्य है। हमारा सत्य सनातन धर्म सूर्य है, और सूर्य को कोई टिका नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता। इसलिए जो सत्य सनातन धर्म को नहीं मानते या हास्य परिहास्य में लेके निंदा परनिंदा करते हैं, उनको मेरा प्रणाम है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ही मेरे अपने हैं, सत्य सनातन धर्म के ही अंग हैं। सत्य सनातन धर्म को मानो, क्योंकि सत्य सनातन धर्म ही पूरे विश्व को जीवित रखने का कार्य करता है जी। सर्वप्रथम भारत माता के सुपुत्रों को कोट-कोट वंदन प्रणाम पुनः, और हम सबको बहुत सुंदर अवसर मिला है श्री धाम अयोध्या जाए, दर्शन करें। 2024 में रामलला सरकार अपने मंदिर में स्थापित हो जाएंगे, और हम सबके लिए गौरव का विषय है, पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है, यहाँ तक के पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, हम सब राम के हैं। राम भगवान हमारे किसी से भेदभाव नहीं करते। हम लोगों को भी सबको ले कर चलना चाहिए, सभी को हृदय से अपनाना चाहिए, और जहाँ एकता है वहीं अनेकता है, जहाँ अनेकता है वहीं एकता है। हम सब परमात्मा की संतान हैं, अपने धर्म को मानते हुए और अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ें, श्री राम लला सरकार का नाम लेते हुए पूरे विश्व में जाएं और यही कहें कि हम भारतवासी जी। 140 करोड़ देश में लोग रहते हैं, इनके लिए क्या संदेश आपके लिए? वो सब हमारे अपने हैं, सब श्री राम जी के हैं, उनके चरणों में मेरा कोट-कोट वंदन है। पूरे विश्व के चैतन्य मनुष्य सब हमारे अपने हैं, कोई अलग नहीं है। हम सबको उनको राम में जानते हुए, उनको अपना मानते हुए जीवन जीना चाहिए। और सत्य बात तो यही है कि हम सब परमात्मा की संतान हैं, एक हैं। हमारा संदेश यही है कि हम सब एक हैं। सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व को जोड़ने की क्षमता रखता है। सभी लोग राम के हैं, और सबको हम पूरे विश्व के चैतन्य मनुष्यों को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए यही कहेंगे कि सत्य सनातन धर्म आपका धर्म है, मानो, और जहाँ भी हो, जिस जगह में हो, प्रभु राम नाम का चिंतन करो। जीवन का यही परम उद्देश्य है, परम
की, विश्वनाथ भगवान की, महामाया की। मेरा मोबाइल दीजिए।